दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की अपील खारिज कर दी है। राघव चड्ढा ने अपने खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे को बंद करने की अपील की थी। कोर्ट के इस फैसले के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गो न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ पांडे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को क्रिमिनल डेफेमेशन के केस में अब पेश होना होगा। दरअसल राघव चड्ढा दिल्ली हाईकोर्ट आए थे दलील लेके कि उनके खिलाफ जो केस बनाया गया उनके और आम आदमी पार्टी के पांच और नेता के साथ जो केस बनाया गया क्रिमिनल डेफेमेशन का उन पे नहीं लागू होता। उनका ये बचाव था कि उन्होंने अपनी तरफ से सिर्फ एक ट्वीट को रीट्वीट किया था जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था, तो उनके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस जो अरुण जेटली ने फाइल किया है नहीं बनता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सवाल पे कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि इसके अलावा काफ़ी सबूत हैं ताकि उनके खिलाफ एक केस जो है वो बनेगा और इस केस यानी कि ट्रायल जो है उसमें उनको शामिल होना होगा। दरअसल ये ट्रायल दिल्ली की एक अदालत में चल रहा है राघव चड्ढा और पांच और आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरुण जेटली जब DDCA के वो प्रेसिडेंट थे, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने काफ़ी बार धांधली की थी और ये उनका आरोप था। यही अरुण जेटली का केस है उनके खिलाफ कि इसकी वजह से उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंची है।